So in today's episode, we're back with another episode of Shut Up Sejal. And in this episode, I have my parents. Hello. Hello, Sejal. Hello, Joy. How are you? So what do you think about the name of the show? Shut Up Sejal. That's good. That's cool. आपको लगता है कि आप ये फ्रेज यूज करोगे आपके साथ? हाँ, आप करने दोगे? ओके, सो आई रियली वांटेड टू ब्रिंग माय पेरेंट्स इन वन ऑफ द एपिसोड्स बिकॉज़ यस, आई हैव फिल्म्ड मेनी वीडियोस आप लोगों के साथ काफी कर लिए एंड नाउ माय मॉम आल्सो हैज हर ओन यूट्यूब चैनल बट एवरी टाइम जब मैं एटलीस्ट आपके साथ वीडियो शूट किया हमेशा ये होता था कि हम बहुत हैप्पी हैप्पी है एंड सब कुछ अच्छा अच्छा है बट एक्चुअली ऐसे रिलेशनशिप तो नहीं होता है ना पेरेंट्स के साथ तो थोड़ा आई थॉट कि आज हम थोड़ी नॉर्मली बात करेंगे सो पापा व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय जर्नी सो फार सो आई थिंक यू डन प्रीटी वेल यू नो व्हेन यू वर स्मॉल यू स्टार्टेड इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज आई थिंक यू स्टार्टेड डूइंग दिस सेकंड ईयर ओके सो आई रिमेंबर यू हैड गॉन टू Which is that country where you said Turkey? आपसे मैंने चार महीने परमिशन लिया था। मैं रोज रोई थी। आप भूल गए? हाँ नहीं मुझे याद है। मैं आपके साथ we had also gone somewhere to check it up whether it is fine for you to go there or not. Remember? हाँ। We'd gone to somebody's place to find out. Isaac or something. Isaac, yes. हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड से बात कराई थी आपको कन्विंस करने के लिए कि वो भी जा चुकी है हां तो आई वांटेड टू बी डबली ट्रिपली श्योर दैट वेदर यू कैन गो देयर और नॉट यस सो वहां से आपने मेरे ख्याल में पहला वीडियो बनाया था सो उसके बाद से आई हैव बीन प्रैक्टिकली वाचिंग ऑल योर वीडियोस सो फन फैक्ट पापा इज द मास्टर ऑफ एनालिटिक्स एंड व्यूज एंड उन्हें घंटे के हिसाब से पता होता है लाइक ही नोस लाइक फर्स्ट सिक्स आवर्स में कितने व्यूज आने चाहिए फर्स्ट वन मैं अब मैं मेरे को भी नहीं पता है सब तो बट आप हर चीज देखते हो हां सो आई लर्नड इट बिकॉज़ आई वाज ऑलवेज वाचिंग योर वीडियोस यू नो सो एंड एनालिटिक्स यू नो बाय द वे यू डोंट डू दिस फॉर मी No, I do that for you also, but I don't say it. That's different. I remain muted. So I think your journey has been pretty good, जो मुझे लगता है, because जैसे पहले आप मेरे को shooting के लिए ले जाते थे, used to typically make those outfit videos. कभी ऐसे, कभी same dress के पांच पांच तरह से वो मेरे bore हो जाता था. जब आप मेरे को बोलते नहीं मेरी मेरा वीडियो बनाओ मेरा वीडियो खींचो आप बोर हो जाते थे और क्या इट वाज सो डैम बोरिंग आई डोंट नो मेरी हेल्प कर रहे थे हेल्प तो कर रहा था लेकिन कर रहा था बस मैं कि ठीक है अच्छा अच्छा जल्दी करो जल्दी करो तो मैं शुगर बनाता जब पैकअप होता था अच्छा ओके चलो ग्रेट ओके मम्मा आपको क्या लगता है When she was in school, you know, somehow हमारी family में everyone is fond of music, singing and everything like that. So whenever somebody used to ask her to sing, she used to hide herself in the bathroom. Bathroom singer थी. तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरी बेटी गाना क्यों नहीं गाती. And then when for the first time I heard her singing, I said, My God, this is wow. She's so good. मगर मैं रोहन से पूछता था कि क्या जॉय को गाना आता है? Because I never heard her. So क्या जॉय को गाना गाना आता है? कहता आता तो है. मैंने कैसे गाती? आता तो है. हाँ ठीक ही गाती है. हमने in another episode we talked about कि मैंने जब बचपन में आपको बताया था कि मुझे एक्टिंग करनी है और ये सब करना है तो आप बहुत डर गए थे आपने मुझे कहा था कि ये बहुत वल्गर हो सकता है कुछ कुछ आपको याद है आपने क्या बोला था सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक इट ऑब्जेक्टिव फॉर यू सो मैंने लगा ठीक है यू आर योर ऑब्जेक्टिव इज और योर गोल इज टू बिकम अ मिस इंडिया और एक्टर और व्हाटएवर देन लेट्स move downwards and see what exactly you know to become this timetable what you should have achieved
This then, is the engineer's approach. So that's my approach, you know. Timetable. Papa, favorite thing to do, timetable. So then we came down and in that particular flowchart, and then okay, for to reach there you must start with this. So I don't exactly remember, but I think with the discussion was something like that. You said you want to become an actor. ना तो मैं कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान था या कोई बहुत बड़ा एक्टर था और ना ही मेरे पास इतना कोई पुरखों की जायदाद या ऐसा कुछ मेरे पास था कि मैं तुम्हें पैसे लगा देता कि चलो सेजल तुम्हारे पर 1,000 करोड़ लगा देता हूँ. सो वैसा सुधा नहीं. यू हैव टू बिकम मिस इंडिया सो दैट यू नो यू कैन बी टेकन टू बिकम एन एक्ट्रेस. सो हाउ डू यू बिकम मिस इंडिया? सो देन वी स्टार्टेड वर्किंग बैकवर्ड्स. सो आई थिंक maybe I was just trying to channelize your thought, you know, that you can move in this direction. Mama, what do you think about my fashion choices? Absolutely great. I feel so confident ki jo cheeze main karna chahti thi aur main nahi kar payi, shayad mere mein itni guts nahi thi aur shayad opportunity nahi thi. And when I see you doing it, I feel so very good. आपको पहनना चाहिए जो आपको अच्छा लगे. हाँ, and दूसरा, I'm in a profession जहाँ पे it is you know not taken right to dress up like that. So you know people view a doctor to be dressed like that. So it's just the demand of a profession. But I'm so happy when I see you doing like that. और पापा? Firstly, मुझे fashion ज़्यादा समझ में नहीं आता. So you know we used to call you Bhondi when you were small. Yes, I know. So but there is a dramatic change in you. There's no two ways about it. And the kind of I watch your Instagram posts and all. You see the kind of. आप Instagram पे हो? हूँ. पापा पता कैसे गूगल कैसे चलते इंस्टाग्राम पे गए क्रोम पे जाके मेरा सर्च करके फिर स्टोरीज भी देखते हैं उस पे. सो आई डू सी योर इंस्टाग्राम पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस. वो सब दिखता है मुझको. एंड आई वुड से वेरी बिफिटिंग क्लोथ्स और वेरी एलिगेंट क्लोथ्स दैट यू वेयर. आई सी अ लॉट ऑफ लाइक एनीथिंग दैट यू वेयर इज really elegant on you. That's what I, that the feeling that I get. आप कभी मुझे मना करोगे to wear a certain something? Why? अभी तक किया है कभी क्या? कभी ऐसा होगा opportunity? I think वो ज़माना लग गया जो है. Those days are gone by now. नहीं नहीं, ज़माना लग गया है नहीं लग गया. Do you still feel that ज़माने को छोड़ दो? Would you still tell her कि okay, you know, ये नहीं पहनना चाहिए? मैंने कभी बोला नहीं है और आज तक. क्योंकि I think मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी इसीलिए. सुनूंगा भी नहीं. I don't think I really care about it. नहीं, एक frankly speaking एक और भी चीज है कि there's a lot which she has also done to mold us. Frankly, it's very true. There are so many times, you know, parents are always parents. Like they कुछ चीजें pre-programmed होती हैं ना parents mind. हाँ, every parent yeah. So my parents thought like that, we think like that, and probably when you also become a parent, you would also have those instincts. But you have sort of molded the parents' reaction in a nice way. And I, very frankly speaking, जब तुम ऐसे बात करती हो मुझे, कभी-कभी मुझे बहुत बुरा लगता है. But then later on, in retrospect, when I think, I said, हाँ, if she can't do this with me, तो वो और किससे करेंगी? So I get a lot of hate comments. है ना, लाइक मैंने आप लोगों को भी इतनी बार दिखाया हुआ है दैट मुझे इस चीज का बुरा लगा, या मैं बहुत बार रोई भी हूँ बहुत बार. हाउ डू यू हैंडल, आपको कैसा फील होता है जब कोई मेरे बारे में कुछ बहुत बुरा बोलता है, या आपने कभी किसी को रिप्लाई किया है? बहुत बुरा लगता है. आई रियली फील दोज आर फेसलेस नेमलेस पीपल. दे हैव नथिंग ऑफ देयर ओन एंड व्हाट दे फाइंड प्लेजर इन और प्राइड इन इज बाय सेइंग दीज थिंग्स टू समवन. I mean, those people who've never been successful in their lives, they can't tolerate somebody else's success, literally. It's like, how can you do that? I mean, she is, usko jo acha lagta hai wo bole, usko jo acha lagta hai wo pehne, usko jo acha lagta hai wo jiske saath jaake ghume. Who the hell are you to say anything to her? Pehle aap kuch karke dikhao and then you have the right to say anything. And that's what I feel, exactly. There are millions of people watching that.
आप किस किस को कंट्रोल कर सकते हो? सो आई हैव अनदर ओपिनियन. इफ आई हैव थिक स्किन देन आई कांट टू बी अ क्रिएटिव पर्सन, आई हैव टू बी अ सेंसिटिव पर्सन टू बी एबल टू राइट अ सॉन्ग, टू बी एबल टू राइट अ स्क्रिप्ट. मेरे को लोगों की चीजें अब्सॉर्ब करनी है. अगर मैंने इतनी थिक स्किन बना ली तो मैं किसी की बात ही नहीं अब्सॉर्ब कर पाऊंगी. सो ओके, देन आई विल पुट इट द अदर वे. What percentage of people are writing? Okay. So let's be objective. So I've made a rule in my life. मेरे life में सिर्फ 3-4 लोगों की opinions matter करते हैं बस. And to enter that group of 3-4 people, they have to work very hard for me to trust them. And I can't give away my trust and just to anyone. लोगों का तो काम है बोलना. मैं हर किसी की बात सुनूं. आप हर किसी की बात सुनोगे आपके काम पे. हाँ, so that's what I'm trying to say, that even if say 0.001% people are giving you hate comment, that is negligible. You have to just forget about it. Yeah, but I think it's easy to say, because but that's how you have to learn. Anun, you don't you have to learn that. Actually, there was one advice which one of my teacher gave me, Dr. Uma Rai. She says, if out of 10, 7 people say that you are a good doctor, you are a very good doctor. So I know 9 people say I'm a good doctor, sir. Nice. I'm a good doctor. Again, you can't make everyone happy. But at the same time, Anil, bura zarur lagta hai. You can't say just because probably you have not faced it, you can't understand the gravity of this. Listen. I also feel bad. She is my daughter and you are my wife. So I also do feel bad. Lekin, मैं उसको फिर ऑब्जेक्टिवली और थोड़ा प्रैक्टिकली सोचता हूँ. जब मैं कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में, तो मैं कुछ ऐसी रैंडम मॉडलिंग के छोटे मोटे कर लेती थी इधर उधर पॉकेट मनी के लिए एंड स्टफ. तो आपको पता था कि मैं ये सब करती हूँ? नॉट रियली. आप जानने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि मैं आपको बिना बताए मेट्रो लेके चली गई थी नोएडा. इट्स ओके नाउ. शायद उस समय बताते तो मुझे डर लगता, मैं आपको मना करती. लेकिन नाउ इन द हाइंडसाइट मुझे लगता है ठीक है यार, इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. मैंने भी बहुत कुछ किया था. तो यूजुअली मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं एंड मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, दे ऑल से दैट ओह सीजर, योर पेरेंट्स आर सो कूल, दे अलाउ यू टू हैव अ यूट्यूब चैनल, दे अलाउ यू टू ट्रैवल अलोन वेयर व्हाट यू वांट एटसेट्रा. ऐसी क्या चीजें हैं जो आप मुझे नहीं अलाउ करते? आप वैसे आप मानते हो किसी चीज के लिए? नहीं, मैं मानती हूँ. सो मेरे को when she was in I think first year or second year, she told me once कि मम्मा देखो, पहली बात तो मैं कोई चीज ऐसे जान के गलत करूंगी नहीं, एंड अगर इफ आई डिसाइड टू डू समथिंग रॉन्ग, यू कांट स्टॉप मी. बस उसके बाद आई स्टॉप्ड. नाउ देयर इज नो पॉइंट आस्किंग एनीथिंग. यू टोल्ड मी दिस. What would you like to tell other people who are parents of creators? So initially, people would think that, you know, this is no career, because career means becoming a doctor, becoming an engineer, and bank finance job, this job, government job, army officer, and those are careers. ये सारे हमारे घर के professions हैं. Correct. So these were the most sought after, you know, kind of careers during our times. Now, new generation has come, so those most sought after careers are gone. So becoming creators, because you know, with every advancement of technology, the cultures change. We all know that. We have seen that. So new technology has come and it has brought new culture, new opportunities, new ways of doing things and stuff like that. So those have become outdated now, those careers. Coming back to the same question, like, what would you tell the other parents? So I would just like to tell them that don't be scared. This is the way forward, and there is infinite opportunity in this particular, in the digital world, you know, in this field of social media or whatever you may name it. So they should not be scared, and there is so much out there which will, at least for the next 30-40 years, it's not going to come to an end. So it will only open up with new technologies and new ways of doing things ever after, you know. अच्छा, तो आपने मुझे responsible वगैरह तो बोल दिया है. Next time तो मुझे रात को बाहर जाना होगा. मैं आपसे ये Shut up, Sages. Alright, that was it for another episode of Shut Up Sager. If you enjoyed this video, please subscribe, like, comment, share, and I'll see you in the next one. Bye! I know a lot of designers, at least this is what I heard at that point, that, oh, on like a tall body, our garments flow better. But now as I'm growing up,
and I internalize that, oh, like to look good in jeans, I need to lose weight. But I'm like, oh my God, the jeans need to be made better to fit me. Meri body hai bhai, wo to kapda hai. You know, it can be made bigger and like it can be made to fit me in a better way. And I'm glad that fashion and you know, all this stuff is changing.